वेसल यूहानिस क्रोनिये, हैंसी क्रोनिये, साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर जो आगे चलकर कप्तान भी बना। दिल्ली पुलिस ने हैंसी क्रोनिये पर मैच फिक्सिंग का चार्ज लगाया। भारत के खिलाफ मार्च 2000 में खेला गया वनडे मैच हैंसी ने पैसे लेकर फिक्स किया था। पुलिस ने क्रोनिये और सट्टेबाज संजय चावला के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी लिखित रूप में रिलीज की। बातचीत में पैसों का जिक्र हुआ। हैंसी ने अपने पैसे तय किए। इसके साथ ही हर्षिल गिब्स और निकी बोए की रकम भी तय हुई। हैंसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी आरोप गलत बताए। उन्होंने कहा, मैं इस बात को 100% साफ कर देना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी भारत में होने वाली किसी भी वनडे सीरीज में पैसे नहीं लिए। मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूं कि इस बारे में मैंने किसी भी टीममेट से बात नहीं की। 10 अप्रैल की देर रात हैंसी ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर को फोन किया। फोन पर हैंसी ने कहा कि भारत में हुई सीरीज के दौरान वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं थे। हैंसी ने कबूला कि उसने मैच से जुड़ी जानकारियों के लिए $10,000 से $15,000 लिए थे। हैंसी को सस्पेंड कर दिया गया। अब क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने हैंसी पर जांच शुरू की। जनवरी में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हुए टेस्ट मैच की जांच का फैसला लिया गया। इस मैच में साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही थी, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन बारिश हुई। हैंसी ने इंग्लैंड को आखिरी दिन जीतने के लिए 249 रनों का टारगेट दे दिया। साउथ अफ्रीका ये मैच 2 विकेट से हार गया था। भारतीय सरकार भी इस मामले में दखल दे रही थी। उसने CBI जांच के आदेश दिए। पूर्व साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर पैट सिमकॉक्स किंग कमीशन के सामने आए। पैट ने बताया कि हैंसी ने 1995 में पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच जानबूझकर हारने की बात कही थी। ये भी बताया कि 1996 में हैंसी ने मुंबई के एक वनडे मैच को हारने के लिए $2,50,000 की पेशकश की थी। हर्षल गिब्स ने कबूल किया कि उन्होंने भारत में एक वनडे में 20 रन से कम रन बनाने के लिए $15,000 लिए थे। ये भी बताया कि पैसों का ऑफर हैंसी ने दिया था। निकी बोए ने किंग कमीशन को बताया कि क्रोनिये ने कभी भी उन्हें पैसे ऑफर नहीं किए। फास्ट बॉलर हेनरी विलियम्स ने कहा कि भारत के खिलाफ मैच में ज्यादा रन देने के बदले क्रोनिये ने उन्हें $15,000 की पेशकश की थी। पीटर स्ट्राइडम ने कहा कि फरवरी 2000 में मुंबई टेस्ट के पहले क्रोनिये ने उन्हें पैसे ऑफर किए थे। जैक्स कालिस ने बताया कि बैंगलोर में दूसरे टेस्ट मैच के पहले हैंसी ने उन्हें मार्क बाउचर और लांस क्लूजनर को पैसे ऑफर किए थे। क्रोनिये ने अपराध कबूल किया। उन्होंने कहा कि साल 1996 के बाद से उन्हें करीबन $1,00,000 मिल चुके थे, लेकिन हैंसी ने साथ में यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी जानबूझकर कोई मैच नहीं हारा और न ही कोई फिक्सिंग की। इसके साथ ही क्रोनिये ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी। यहां पर वो बम फूटा जिसने इंडियन क्रिकेट को हिला कर रख दिया। क्रोनिये ने किंग कमीशन के सामने सभी बातों के साथ ये भी बताया कि पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैंसी की मुलाकात एक सट्टेबाज से करवाई थी। इसी सट्टेबाज ने 1996 में एक टेस्ट मैच हारने के बदले पैसे ऑफर किए थे। अजहर ने ये आरोप झूठे और बकवास बताए। किंग कमीशन की 3 दिन लगातार चलने वाली पूछताछ जब खत्म हुई तो हैंसी क्रोनिये अपनी कुर्सी से उठे और फफक कर रोने लगे। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने सट्टेबाजों से पैसे लिए थे और कहा कि खेल के प्रति उनका प्यार पैसों के प्यार के आगे कुछ छोटा पड़ गया था। साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने हर्षल गिब्स और हेनरी विलियम्स को 31 दिसंबर 2000 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में भाग लेने से बैन कर दिया। पीटर स्ट्राइडम को बरी कर दिया गया। हैंसी क्रोनिये पर आजीवन प्रतिबंध लग गया। हैंसी क्रोनिये की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। मौत के वक्त हैंसी क्रोनिये पर क्रिमिनल चार्जेस लगने की संभावना थी। जून 2000 में उन्हें क्रिमिनल चार्जेस से इस शर्त पर इम्यूनिटी देने का वादा किया गया था कि वो मैच फिक्सिंग में शामिल होने से जुड़ी सभी बातें साफ साफ बता दें। लेकिन इस पूरे दौरान हैंसी मैच फिक्सिंग में शामिल होने की बातों से इनकार करते रहे। वो बस खेल प्रेमियों और अपने फैंस से उनकी भावनाएं आहत करने के लिए माफी मांगते रहे।